अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, अरवी तुरई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत हेल्दी सी मज़े की ये रेसिपी है, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर सब्ज़ियों को फाइन कट कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, तीन मैंने हरी मिर्च ली हैं, छोटी हैं बड़ी हैं इस वजह से तीन ही हैं। हरी मिर्च को टमाटर को मैंने कट कर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। यहाँ पर स्पाइसेस देख सकते हैं, वन टेबल स्पून मैंने यहाँ पर रेड मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और नमक अपने हिसाब से लिया है, आप अपने हिसाब से रखिए स्पाइसेस। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ का प्याज कट करके ब्राउन करने के लिए ऑयल में अपने डाल दी है। प्याज ब्राउन हुई है हल्की सी, यहाँ पर पहले अपने टमाटर, अपने पेस्ट और यहाँ पे हरी मिर्च को ऐड करके तीन मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे, तेल छोड़ देने तक, टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक। पानी की ज़रूरत होगी तो पानी भी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा सा ऐड करने लगे हैं, जो मसाला लग रहा है उसे कवर करने के लिए, ज़्यादा पानी सब्ज़ी में इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ग्रेवी तैयार कर लेनी है टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट डन पर है, टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से थोड़े से रह गए हैं, बाकी गल चुके हैं। तो ग्रेवी हमें अच्छे से तैयार करने के बाद इसमें अपनी हम सब्ज़ी ऐड करेंगे। यहाँ पर ग्रेवी हमें तैयार हो चुकी है, सब्ज़ी हम अपनी इसमें ऐड करने लगे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इन अरवी तुरई को आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, मैंने इसे लंबाई में करा है, आप गोलाई में भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर सब्ज़ी को ऐड कर दिया है मैंने पूरी अपनी, और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको वेल कुक होने तक पकने देंगे। और मुझे ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब्ज़ी में मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करा था, ये सब्ज़ी ने अपना पानी छोड़ा है। और सब्ज़ी में पानी ऐड नहीं करते, सब्ज़ी पानी खुद छोड़ती है, तो ये इसी में गल जाएगी। हमें चेक करते रहना है हमारी सब्ज़ी गल गई है या नहीं गली है। तुरई हमारी जल्दी गल जाती है, अरवी थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में। तो वेल कुक होने तक अपनी सब्ज़ी को हम पकने देंगे। 15 to 20 मिनट्स में हमारी सब्ज़ी ये डन हो जाएगी। अरवी को यहाँ पर हम चेक करने लगे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम अपनी अरवी को चेक कर लेते हैं ये कितनी गल गई है। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी अभी खसक लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। वैसे तो ये 85% डन है, और लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और सॉफ्ट करूँगी, तो हम इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। और क्योंकि अरवी हमारा गलने में टाइम लेती है थोड़ा सा। अब चेक कर लेते हैं अरवी को, अब देख सकते हैं आप लोग अरवी हमारी 100% डन है और सब्ज़ी हमारी अब डन हो चुकी है बिल्कुल। तुरई भी गल चुकी है, अरवी भी गल चुकी है, और सब्ज़ी को ज़्यादा वेल कुक ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर फ्लेम हमने अपना ऑफ़ कर दिया है, बंद कर दिया है अपने चूल्हे को अपने। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना था, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो। डिश आउट करने लगे हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह से आप लोग कितना प्यारा लुक आया है सब्ज़ी का, कलरफुल कितनी है और टेस्टी भी बहुत है। मुझे ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।